हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। और पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आप पांडास लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हैं, जब तक आप पांडास इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक सीएसवी फाइल आप चला नहीं पाएंगे। तो पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे किया जाए, क्योंकि पांडास लाइब्रेरी आप सीधा सीधा यहाँ पे पाइथन ओपन करके न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पर इम्पोर्ट पांडास अगर लिखते हैं तो कभी कभी वो काम नहीं करता है अगर इंस्टॉल नहीं होता है तो, और इंस्टॉल तो जनरली नहीं होता है नए सिस्टम में। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा स्टार्ट बटन पे अपने क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है सीएमडी और ये कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। जैसे ये ओपन होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पीवाई पाई और फिर यहाँ पर दो बार डैश देके लिखिएगा वर्जन, ठीक है, और एंटर करिएगा तो यहाँ पर आपका पाइथन का वर्जन पता चल जाएगा। आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पांडास लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल होगी, तो यहाँ पे लिखिएगा पाई, फिर डैश दीजिएगा, फिर एम लिखिएगा, ठीक है, फिर यहाँ लिखिएगा पिप और फिर यहाँ लिखिएगा आई एन एस टी ए डबल एल इंस्टॉल पी ए एन डी ए एस, यानी पी वाई डैश एम पिप इंस्टॉल पांडास, ये आपको लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक है। मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको नंपाई डाउनलोड करना है लाइब्रेरी तो कैसे करेंगे, तो फिर वही चीज की यहाँ पे पी वाई लिखिएगा, फिर यहाँ पे एक बार गैप दीजिएगा, फिर यहाँ डैश दीजिएगा, एम लिखिएगा, फिर यहाँ गैप देकर के पिप और फिर यहाँ पे आई एन एस टी ए डबल एल इंस्टॉल और यहाँ पे लिखिएगा नंपाई एन यू एम पी वाई, तो ये हो गया नंपाई और एंटर कर दीजिएगा। तो इसमें भी फिलहाल मेरा इंस्टॉल ही दिखाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे आप दोनों लाइब्रेरीज को आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है तो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो इंस्टॉलेशन में तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।